हाय गाइस, मैं रौनक फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट लेक्चर सेकंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। मैं आज बताऊंगा तुम लोग को तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन जनरली पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है, बट कभी कभी न्यूट्रल भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल याद कर लो, फॉर एग्जाम्पल एच प्लस हो गया, एक कार्बन नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जनरली पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर हो, फॉर एग्जांपल CH3 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है C के ऊपर, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। AlCl3 है, तो इसको कहते हैं लुईस एसिड। इसमें क्या होता है, एक्चुअली में लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए, तो ये न्यूट्रल है तब भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। NO पॉजिटिव चार्ज कहीं पर भी तुम्हें दिख जाए तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और मैं बताना चाहता हूँ, एक सेकेंड कलर में चेंज कर लूँ। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड अप इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाइल इन द फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। यानी क्या है कि ये रिएक्शन हम लोग को दी गई है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, प्लस एम इफेक्ट इसे कहते हैं। ठीक है, प्लस एम या प्लस आई इफेक्ट, सॉरी है इसमें, यहाँ तो प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन धकेलेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव आया। अब पॉजिटिव कुछ क्या चाहिए, पॉजिटिव आर पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव, राइट, तो ये इस पर जाके अटैक कर लेगा और ये बन जाएगा। ठीक है, ये आर नहीं ई है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में जाने के बाद हम लोग को ये पता चलता है, एक सेकेंड, या स्टेप टू क्या होगा कि अब हम लोग का कंपाउंड ये बचा, अब न्यूक्लियोफाइल एक है वो आएगा, इस पर अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हें लग रहा होगा क्या बता रहा है, क्या है ये सब, अभी रुको, अभी तुम लोग का सब डाउट क्लियर होने वाला है, बिकॉज आई विल बी गिविंग यू डिसेंट अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले तो एडिशन ऑफ HBr का एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अब यही कंपाउंड एक कैसे टूटेगा, यहाँ से प्लस आई लगेगा और ये ऐसे टूटा, ये नेगेटिव चार्ज आया और बीच वाले CH पे पॉजिटिव चार्ज आया। HBr कैसे टूटेगा, H प्लस में और Br माइनस में, तो H प्लस क्या इलेक्ट्रोफाइल है, आएगा यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा फिर CH3, बन गया ये CH3 और नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, फिर Br माइनस पॉजिटिव पे जाएगा। ठीक है, तो आंसर बन गया ये, समझ रहे हो क्या हुआ। मैं फिर से तुम लोग को बता रहा हूँ क्या हुआ कि HBr टूटा H पॉजिटिव में और Br माइनस में, तो ये H प्लस नेगेटिव पे गया तो ये CH3 बन गया, Br माइनस इस पे जाएगा बाद में, तो ये Br यहाँ लग गया और इसका पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो गया, तो ये कंपाउंड बन गया हम लोग का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो तुम लोग को याद करनी थी। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स तुम लोग को बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इसमें कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इसके बाद बन रहा है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब हम लोग को मालूम है ये 2 डिग्री है, मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, तो ये शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट से 3 डिग्री बन जाएगा, तो अगला स्टेप में कंपाउंड जो बनता है वो बनेगा बेसिकली ये। अब HBr कैसे टूटता है, H पॉजिटिव Br नेगेटिव में, H पॉजिटिव इधर लगेगा Br नेगेटिव इधर लगेगा, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यानी ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इसको नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। अब इसमें तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें टूटेगा बेसिकली सबसे पहले, और टूट के ये नेगेटिव आया ये पॉजिटिव आया, ठीक है, एरो ऐसे करके टूटेगा, फिर क्या होगा, अब ये 2 डिग्री है कार्बोकैटायन, अगर ये यहाँ आ जाए 3 डिग्री हो सकता है, बट यहाँ पर एक ऑलरेडी कार्बन है, तो ये कार्बन शिफ्ट करके इधर जाएगा, इसे कहते हैं मिथाइल शिफ्ट, जो कि मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में बताया था, और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया इधर पे कार्बन और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब HBr क्या है, H प्लस और Br माइनस पे टूटेगा, H प्लस आएगा इस पे, Br माइनस आएगा पॉजिटिव पे, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये बेसिकली इस टाइप का हो गया, यहाँ पर हो जाएगा बेसिकली Br और ये हो जाएगा आपका आंसर फाइनल का, ये कंपाउंड हो गया फाइनल आंसर। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो तुमने याद रखने हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जस्ट अ सेकेंड, या तो हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे आ गए, एडिशन ऑफ BR2 की बात कर रहे हैं। तो एडिशन ऑफ BR2 के बारे में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लास्ट स्लाइड में हम लोग एडिशन ऑफ HBr कर रहे थे। अब एडिशन ऑफ HBr में क्या होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में बनता है, तो बेसिकली रीअरेंजमेंट हो जाता है। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बनता, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। और तुमने याद रखना है कि जब भी इंटरमीडिएट साइक्लिक बने तो नो रीअरेंजमेंट। तो इम्पॉर्टेंट लाइन मैंने ये लिखी, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड इन द इंटरमीडिएट, देयरफॉर नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली और इसमें क्या एंटी एडिशन होता है, एंटी मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक BR ऊपर लगेगा एक BR नीचे लगेगा और जोड़ना होता है बस। ठीक है, ये याद रख लेना। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल है, तो इसमें कुछ तुम्हें तोड़ना ओड़ना नहीं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना दो यहाँ पर नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ना है, तुमने एंटी में जोड़ दिया। अब एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये एडवांस और आजकल तो मेंस में भी आने लगा है, ये कॉन्सेप्ट है कि सिस फॉर्म प्लस एंटी इज इक्वल टू इनैन्शियोमर्स, यानी कि दो प्रोडक्ट। अभी क्या है तुमको सब समझ में आएगा, तुम कंफ्यूज हो रहे होगे। ट्रांस प्लस एंटी इज इक्वल टू वन प्रोडक्ट बनेगा, इसको कहते हैं मीजो प्रोडक्ट। ठीक है, सिस ट्रांस क्या होता है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है मान लो ये, तो ये CH3 और CH3 सेम साइड है, तो ये सिस फॉर्म हो गया। और कोई भी एल्कीन में अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर CH3 और CH3 अपोजिट है, सेम है ग्रुप और अपोजिट है, तो ट्रांस हो गया। ठीक है, इतना नोट कर लिया, आगे चलते तुमको बताता हूँ। तो BrTCl4 क्या है, ये एक एंटी है और ये एक जैसे कि सिस है। मैंने बताया सिस प्लस एंटी इज इक्वल टू दो प्रोडक्ट बनते हैं और जोड़ना है बस तुमने। देखो दो प्रोडक्ट कैसे, एक बार ऐसे जोड़ दिया एक बार ऐसे जोड़ दिया, और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ठीक है, तो उससे इनैन्शियोमर कहते हैं। तो दो प्रोडक्ट बेसिकली बने हैं, और ट्रांस प्लस एंटी मैंने बताया एक प्रोडक्ट बनता है, तो बस एक ही बार जोड़ना है। ये तुमने जहाँ पर जोड़ दिया तो कहीं पर भी जोड़ दो, या तो ये बना दो, या तो तुम बेटा ये बना दो HBr और ये, कोई भी एक बना दो, सेम बात है। ठीक है, तो मैंने बताया ट्रांस प्लस एंटी इज इक्वल टू वन प्रोडक्ट, सिस प्लस एंटी इज इक्वल टू टू प्रोडक्ट। अब तुम बनाना सीख गए हो। ठीक है, तो अपना वीडियो यहीं तक था, सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है मेरा ये सीरीज़, तुम्हारी कुछ भी थोड़े बहुत भी हेल्प हो रही है, तो जस्ट डू अ फेवर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड सारे लेक्चर्स देखना, तुम्हारा सब अच्छे से जाएगा, आई गारंटी। ओके।